हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके क्या यूजेस होते हैं। तो सारा जानकारी जो होता है पूरी की पूरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की आज हम समझने वाले हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, वो एक रॉक से बना है, एक हार्ड सब्सटेंस जो होता है ना उससे बना है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिप्सम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिप्सम क्या है, जिप्सम एक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है। डाइहाइड्रेटेड मतलब इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट टू ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ कैल्शियम सल्फेट दो बूंद पानी, तो जिसका फॉर्मूला होता है जिप्सम। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और कितना मैंने कहा, टू ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि दो बूंद पानी, ठीक है। डॉट लगा के आपको लिखना होता है, ये हाइड्रेटेड पार्ट होता है इसका, ये अलग भी हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, अगर केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन में हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझते हैं कैल्शियम सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है, वो हमारा बनता है जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, सेम चीज कैल्शियम सल्फेट, बस यहाँ पर जो लगा होता है ना वो होता है आधा बूंद पानी, यानी हाफ ड्रॉप ऑफ वाटर। और कितना पानी यहाँ से निकल जाता है, तो अगर बात करें तो ये हो जाता है 3/2, यानी 1/2 H2O, इतना पार्ट जो है इसका रिलीज हो जाता है। ये होता है इसका प्रोसेस, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जिप्सम और ये हमारा POP, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी क्या होती है POP की, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आखिर इस POP के साथ क्या किया जाए। देखिए, POP मतलब हमने आप लिखा अपना कैल्शियम सल्फेट और आधा बूंद पानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसमें कुछ पानी हम मिलाते हैं तो पानी मिलाए हम चाहे इतना, लेकिन ये अब्जॉर्ब कितना करेगा, ये अब्जॉर्ब करने वाला है 1/2, यानी कि 3/2 ही वाटर ड्रॉपलेट्स को ये अब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद ये क्या बनाएगा, फिर से अगेन जिप्सम बना लेता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और दो बूंद पानी, ये फिर से बन जाएगा जाके। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि बस सेम उल्टा कर देना है और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी वही है जो इसका फॉर्मेशन है उसका उल्टा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, मतलब ये हमेशा मॉइस्चर फ्री कंटेनर में ही होना चाहिए, क्या POP, क्योंकि अगर उस वाले कंटेनर में रहा जहां पर मॉइस्चर रहा तो ये उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड सब्सटेंस यानी फिर से जिप्सम बन जाएगा, जो कि हमारे यूज का बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। जब बहुत हार्ड बन जाएगा तो हम उसे यूज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यूजेस देखते हैं। यूजेस में होता है कि इसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जैसे किसी के बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मेकिंग कास्ट डेंसिटी, जैसे किसी के दांतों का डिजाइन बनाना है, यानी कि जो नए दांत लगवाते हैं, नकली दांत लगवाते हैं ना, तो उनके नकली दांतों का डिजाइन शेप वगैरह इसी से बनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे टॉयज वगैरह, डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह, या चाक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती है उससे, और भी हमारे जैसे घरों में सीलिंग्स वगैरह होती है ना, उनमें अच्छे डिजाइन देने के लिए, तो ये इसके यूजेस होते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है। बस इतना ही POP से आपको पढ़ना है और आपको इतना लर्न कर लेना। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक इसे रिवाइज कर लीजिएगा।